हेलो वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल उमेश गुरु शॉर्ट में। आज के इस वीडियो के जरिए मैं आपको रील्स कैसे एडिट किया जाता है। रील्स आप बिना अपना फेस का रिकॉर्ड किए हुए, बिना कोई मेहनत किए हुए आप जो है रील्स को क्रिएट कर सकते हैं और उससे मिलियंस में फॉलोवर्स इंक्रीज कर सकते हैं, अर्निंग भी कर सकते हैं। बस आपको एडिटिंग अच्छी तरीके से आना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने जो है कुछ मैं आपको बताऊँगा सबसे पहले कि पिक्साबे एक ऐसा साइट है जहाँ से आप फ्री में वीडियोस को, फोटोज़ को जो है फ्री में उठा सकते हैं। यहाँ से मैं यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे देखें मेरा इंटरनेट कनेक्शन यहाँ पे लग गया। अब यहाँ पे देखें पिक्साबे, मैंने यहाँ पे जैसे कि सर्च किया तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ढेर सारा आपको फुटेज मिल जाएगा। यहाँ पे जैसे आप सर्च करेंगे उस टाइप का फुटेज यहाँ पे ढेर सारा आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखें जैसे मैंने मेन लिखा तो यहाँ पे मेन से रिलेटेड आ गया। मैं यहाँ पे बिजनेसमैन लिखूंगा तो बिजनेसमैन से रिलेटेड आ जाएगा। यहाँ पे देखे बिजनेस मैंने लिखा और यहाँ पे मैं मेन को भी टाइप कर देता हूँ तो बिजनेसमैन से रिलेटेड यहाँ पे अब आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ से देखे तो यहाँ से आप क्या क्या उठा सकते हैं। यहाँ पे देखे फोटोज़ को उठा सकते हैं, वेक्टर ग्राफिक को, इल्यूस्ट्रेशन को, वीडियोस को, म्यूजिक को, साउंड इफेक्ट को, सब कुछ यहाँ से आप उठा करके यूज कर सकते हैं। इस पर आपको कोई भी कॉपीराइट क्लेम नहीं देखने को मिलता है। तो ये हो गई हमारा फुटेज की बात। अब चलिए वीडियो को जो है रील्स कैसे एडिट करेंगे हम उसे आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये हमारा पहला तरीका है। कई तरीके हैं, कई तरीके के रील्स बनाए जाते हैं, फेस का भी बनाया जाता है, फैक्ट का भी बनाया जाता है। जो भी आपको सीखना है मैं कमेंट करके आप हमें से पूछ सकते हैं, मैं उससे रिलेटेड वीडियो आपको ला के दूंगा। फिलहाल मैं इसमें मोटिवेशनल वीडियोज़ के लिए जो फैक्ट होता है मोटिवेशनल वीडियो फैक्ट वाला मैं आपको इस वीडियो के जरिए एडिट करके दिखाऊंगा। सॉफ्टवेयर का यूज़ जो मैं करने वाला हूँ, यहाँ पे देखें मैं इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करूँगा फिल्मोरा का। मैंने फिल्मोरा ऑलरेडी यहाँ पे ओपन कर लिया है और यहाँ पे देखें तो मैंने अब फुटेज को भी मैंने उठा रखा है। यहाँ पर मैं आपको फुटेज भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम वीडियो वाले फोल्डर में मैंने फुटेज रखा हुआ है। यहाँ पर देखें मैंने चार फुटेज को रखा है। यहाँ पर ओपन हम कर लेते हैं और यहाँ पर सभी यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर देखें कि पहला हमारा जो है यहाँ पर देखें ये वीडियो है तो इस वीडियो का हम यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे सिंपली करेंगे क्या कि इस वीडियो का हमें जो है साउंड सिर्फ लेना है, बैकग्राउंड म्यूजिक लेना है। हमने ये पिक्साबे से उठा लिया है। यहाँ पे इसको भी हमने जो है पिक्साबे से उठा लिया है। यहाँ पे जो है मैंने उठा लिया है तो क्या करना है कि सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड म्यूजिक ले लेते हैं। यहाँ पे इस बैकग्राउंड म्यूजिक लेने के लिए, यहाँ पे इस वीडियो को बैकग्राउंड म्यूजिक लेने के लिए प्लस बटन पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे जो है देखें कि यहाँ पे ये इसी का साइज है तो यहाँ पे इसी के साइज के हिसाब से यहाँ पे लगा लेना। यहाँ पे देखें जैसे कि ये आ गया है तो सबसे पहले यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, इस बीच वाले पार्ट में यहाँ पे राइट क्लिक कर देना है आपको और यहाँ पे आपको डिटैच ऑडियो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे डिटैच ऑडियो जैसे ही क्लिक करेंगे डिटैच ऑडियो पर इसका ऑडियो अलग हो जाएगा, वीडियो अलग हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इसे सेलेक्ट करके डिलीट कर देना है आपको। यहाँ पे डिलीट बटन दिख जाएगा, डिलीट कर देंगे तो वीडियो हट जाएगा। अब देखें कि ये हमारा आ गया है। अब जैसे कि मान लीजिए कि हम इस पर कुछ लिखना चाहते हैं तो हम कलर के ऊपर लिखना चाहते हैं। मान लीजिए कि हम यहाँ पे लिखेंगे कुछ भी लिखना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे एक कलर ले लेते हैं और यहाँ पे हम यहाँ इसे छोटा कर देते हैं। पहले इस टाइमलाइन को थोड़ा बड़ा करेंगे हम। देखें इस पर हम लिखते हैं जैसे कि मान लीजिए कुछ मैं यहाँ पे टाइप करूँगा तो टेक्स्ट कैसे इसके ऊपर लगाना है, पहले इसको जो है पूरे फुल फुटेज में इसको लगा देना है। यहाँ पे देखें ये पूरा फुल फुटेज में लग गया है। इसका एस्पेक्ट रेशियो भी आप देख ले कि एस्पेक्ट रेशियो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। बस आपको रील्स बनाना है तो आप इतना एस्पेक्ट रेशियो रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए पोर्ट्रेट मोड में आपको रील्स बनाना है, इसी तरह से आपको जो है एस्पेक्ट रेशियो रखना है, मैं दिखा दिया आपको। अब यहाँ पे इस पर इसके ऊपर टेक्स्ट लगाना है तो एक और यहाँ पे टाइमलाइन जोड़ेंगे। यहाँ पे देखिए वीडियो ट्रैक को यहाँ पे जोड़ देना है। यहाँ पे राइट क्लिक करके वीडियो ट्रैक जोड़ेंगे तो इसके ऊपर में यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर में आपको टाइटल्स देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे ढेर सारा टाइटल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। किसी भी एक टाइटल्स पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए डिफॉल्ट टाइटल पर ही आपको क्लिक करना है। देखें कि यहाँ पे ये टाइटल आ गया है। अब जो है यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे इस टाइटल पर और यहाँ पे एडवांस बटन आपको दिख जाएगा तो इस एडवांस बटन पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे हिंदी में टाइप करना चाहते हैं तो आपको कृति देव आना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे हिंदी में आप टाइप नहीं कर पाएंगे। तो इंग्लिश में ही मैं आपको यहाँ पर टाइप करके दिखाता हूँ। यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप किया, यहाँ पर देखें कि मैंने यहाँ पर टाइप किया और इसका जो है टेक्सचर अगर लगाना चाहते हैं या फिर ग्रेडियंट फिल करना चाहते हैं, इमेज फिल करना चाहते हैं तो उस हिसाब से यहाँ पे इस पर कलर लगा सकते हैं। यहाँ पे हम इसका कलर चेंज कर देते हैं, ब्लैक कर देते हैं
और यहाँ पे हम टेक्सचर फिल करेंगे। तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे दूसरा कलर भी हम इसमें सेट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे ब्लैक लगाया और रेड को भी लगा दिया, तो दोनों हमारा जो है इफेक्ट लग गया है। यहाँ पे देखें ये आगे पीछे करके हम यहाँ पे लगा सकते हैं। अब क्या करना है आपको कि इसको मैं थोड़ा जो है टेक्स्ट को बड़ा दिखाने के लिए इसको जो है एंटर प्रेस करके एक बार नीचे कर देता हूँ, और ये हमारा नीचे हो चुका है। अब यहाँ पे इसको बीच में भी सेंटर में भी यहाँ से ला सकते हैं। अब यहाँ पे देखें यहाँ से आप सेंटर में ला सकते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये जो है सेंटर में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ये सेंटर में आ गया है। अब सिंपली इसको जूम करने के लिए यहाँ से भी स्क्रॉल करके इसको जूम कर सकते हैं, या फिर नहीं होता है तो यहाँ पे एक बार 200 टाइप करें आप। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे जूम वाले पे 200 टाइप किया। यहाँ पे देखिए यहाँ पे टाइप करना है आपको 200, यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया है। अब एंटर को प्रेस करेंगे तो देखिए फिर भी नहीं हुआ। अब एक बार स्क्रॉल करके हम देखते हैं तो देखिए अब ये हमारा जो है बड़ा हो रहा है, अब इतना बड़ा हो गया है। अब क्या करना है कि इसमें हम और थोड़ा जो है बॉर्डर लगाएंगे। बॉर्डर कौन सा कलर का लगाना है आप अपने हिसाब से बॉर्डर को भी लगा दें, जैसे कि मैंने बॉर्डर लगा दिया। अब इसके साइज को भी आप चाहे तो बढ़ा सकते हैं, देखिए मैंने साइज को बढ़ा दिया। शेडो भी लगा सकते हैं, अगर ये कलर आपको सूट नहीं कर रहा है तो इस कलर को आप चेंज करके यहाँ पे फिर वाइट वाइट भी लगा सकते हैं। देखिए ये वाइट लग गया है, दूसरा कलर लगाना चाहे दूसरा भी लग जाएगा। जो भी आप अपने हिसाब से यहाँ पे टेक्स्ट में जितना आप टाइम खर्च करेंगे उतना आपका जो है यहाँ पे अच्छा टेक्स्ट बनेगा। यहाँ पे एनिमेशन देखें कि एनिमेशन अगर क्लिक करें तो देखें एनिमेशन इस टाइप से आपको देखने को मिल जाएगा। देखें ढेरों एनिमेशन है, आप अपने हिसाब से इस सॉफ्टवेयर के जरिए एनिमेशन लगा सकते हैं। यहाँ पे देखें जैसे कि मैंने यहाँ पे इस टाइप का एनिमेशन लगा दिया। यहाँ पे जो भी यहाँ पे एनिमेशन लगाना चाहते हैं वो एनिमेशन लगा सकते हैं, या फिर नो एनिमेशन लगाए तो नो एनिमेशन भी, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एनिमेशन इसका हट जाएगा। मैं यहाँ पे एक एनिमेशन, अच्छा सा एनिमेशन यहाँ पे लगा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने एक एनिमेशन लगा दिया है। अब एक ही बार आपको यहाँ पे करना होता है कॉपी, और इस यहाँ पे जो देखें कि यहाँ पे ये वाइट वाला कलर को पूरा स्क्रॉल करते यहाँ पर आपको फिट कर देना है। अब यहाँ पे टेक्स्ट यहाँ तक लगाना है। अब क्या करना है कि इसके आगे जस्ट जो है इमेज लगा देना है, जो कि मदर्स ड्रीम मैंने यहाँ पे लिखा, उसके बाद जो है हमारा एक इमेज आना चाहिए, तो इमेज जो है इसके आगे आना चाहिए। तो यहाँ पे मीडिया में जाएंगे और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इमेज रखा हुआ है, तो यहाँ पे एक इमेज मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। देखिए कि यहाँ पे मैंने एक इमेज को, यहाँ इमेज को थोड़ा ज़्यादा टाइम तक लगाना है, टेक्स्ट को थोड़ा जो है कम टाइम तक लगाना है। तो देखिए यहाँ पे ये टेक्स्ट लगे, एक बार मैं यहाँ पे एक बार प्ले करके भी देख लेता हूँ कि कितना देर तक का ये टेक्स्ट है। मैं साउंड को बंद कर देता हूँ, देखिए कि ये टेक्स्ट कैसे आता है। तो टेक्स्ट थोड़ा कम समय तक रहा, तो हम इसको थोड़ा इसको बढ़ा देते हैं ताकि लोगों को जो है पढ़ने में ये दिख जाए। यहाँ पे जैसे कि दिख गया एक बार टेक्स्ट और यहाँ पे इमेज भी दिख गया, तो अब इतना ठीक है। अब हम यहाँ पे जो है ये इमेज को मैंने लगा दिया है, फिर से अभी हम दूसरा टेक्स्ट को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। इसी को कॉपी कर लेना है, डिफ़ॉल्ट टाइटल को, यहाँ पे जो हमने एक बार बना दिया टाइटल तो इसी को कॉपी कर लेना है और जस्ट इसके आगे पेस्ट कर देना है। तो देखिए यहाँ पे वो टाइटल लग गया है। बस यहाँ पे क्या करना है कि इसके टेक्स्ट को यहाँ पे जो है चेंज कर देना, जैसे कि मैं वहाँ पे मदर्स था तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फादर्स लिख देते हैं। देखिए अब यहाँ पे आ गया है फादर्स ड्रीम। तो अब इसके आगे में एक और फुटेज को लगाना है, और यहाँ पे देखिए मैं लगा देता हूँ। अब पहले तो मैंने ये इंजीनियर वाला लगाया था, मैं यहाँ पे डॉक्टर वाला यहाँ पे लगा देता हूँ, और इस फुटेज को भी उतना ही आपको लंबा रखना है। यहाँ पे देखिए तो मैं यहाँ पे इतना लंबा इस फुटेज को रखता हूँ। अब यहाँ पे दिखाऊँ मैं एक बार आपको प्ले करके, तो देखें कि पूरा मैं एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें ये इस तरह से आएगा, और यहाँ पे देखें कि अब ये दूसरा आया है, दूसरा इमेज इस तरह से आएगा। अब क्या करना है कि इमेज को भी हमें एडिट करना है अच्छी तरह से। यहाँ पे देखें इमेज को पूरा यहाँ पे करना है ताकि लोगों को अच्छी तरह से विजुअल हो सके। यहाँ पे देखें इतना मैंने बड़ा कर दिया है, देखिए अब जो है लोगों को विजुअल हो जाएगा। इसको बीच सेंटर में हम यहाँ पे ला के रख देते हैं। देखिए फ्रेंड्स अब ये इमेज ऐसा दिखेगा, और यहाँ पे इससे भी हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि लोगों को अच्छी तरह से ये दिखे और लोग इस जो है वीडियो के ऊपर रुक जाए, रुकेगा थोड़ा सा, थोड़ी देर तक रुकेगा, उसके बाद ही जो है हमारा वीडियो को रीच मिलता है, वीडियो हमारा वायरल होता है। तो इस तरह से फिट कर देना है। हम इसको भी पूरा फ्रेम में फिट कर देते हैं ताकि देखने में लोगों को अच्छा लगे। तो इस तरह से आपको फ्रेम में फिट कर देना है। देखिए हमारा फ्रेम में फिट हो गया है। अब क्या करना है कि ये दोनों इमेज
अब मैं एक बार आपको प्ले करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड म्यूजिक इसका मस्त लगा हुआ है, बैकग्राउंड म्यूजिक जो है मस्त है, तो ये वीडियो चलेगा ही चलेगा। अब इस यहाँ पे चाहे तो आप जो है एक यहाँ पे ट्रांजिशन भी लगा सकते हैं, ट्रांजिशन में जाएंगे और ट्रांजिशन यहाँ पे देखें कि बॉक्स टर्न वाला ट्रांजिशन आपको यहाँ पे फिट कर देना है। इसका जो है टाइम को थोड़ा कम कर देना है। यहाँ पे ये ट्रांजिशन आ गया है। अब हम एक ट्रांजिशन को यहाँ पे भी इस इमेज पे भी लगा देते हैं यहाँ पे। अब एक बार ट्रांजिशन लगा के मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ कि ये अब वीडियो कैसा दिखता है। देखें फ्रेंड्स कि अब देखें कि इमेज ऐसा दिखा है और ये दूसरा इमेज भी देखें यहाँ पे ऐसा दिखा है। तो ये ट्रांजिशन ठीक था, थोड़ी देर ज़्यादा लंबी है तो ये देखने में ठीक लगा। इसको भी हम थोड़ा लंबा कर देते हैं तो ये भी देखने में ठीक लगेगा। यहाँ पे देखिए ट्रांजिशन क्या करता है कि फ़ोटो को एकदम खींच के लाता है, देखने में मस्त लगता है। तो इसी तरह से मैंने ये इमेज वाला काम ख़त्म हो गया है। अब जो है एक वीडियो भी लगाना है। यहाँ पे देखिए इस तरह से अगर बीच में क्लिक हो जाता है, कट हो जाता है, तो आपको सिर्फ अंडो कर देना है। यहाँ पे एडिट में जाएंगे, अंडो बटन पर क्लिक करेंगे, अंडो हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए इसको मैं लॉक कर देता हूँ ताकि जो है ये बीच बीच में कटे ना। तो यहाँ पे देखिए अब मैं उस फुटेज को यहाँ पे मीडिया में जाऊँगा। यहाँ पे देखिए एक वीडियो है तो इस वीडियो को मैं यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे जो है कीप प्रोजेक्ट सेटिंग पे ही रहने देना है ताकि आपका जो वीडियो ख़राब ना हो। देखिए फ्रेंड्स कि ये वीडियो आ गया है। अब इस वीडियो को स्क्रॉल करके जो है पूरा फ्रेम में फिट कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको फिट कर देता हूँ ताकि A few moments later. देखे फ्रेंड्स मैंने इस वीडियो को भी फिट कर दिया। अब मैं फालतू भाग को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और इसको थोड़ा स्पीड कर देता हूँ ताकि ये जो है देखने में और ज़्यादा अच्छा लगे। हम एक बार इसको प्ले करके भी देख लेते हैं। मैं साउंड को बंद कर देता हूँ। देखे कि ये वीडियो कुछ ऐसा लग रहा है, थोड़ा ज़्यादा स्पीड हो गया है। चलिए कुल मिलाकर ठीक ठाक है वीडियो। और यहाँ पे देखे कि हम इसका साउंड को ऑन कर दिए हैं। अब इसका वॉल्यूम को भी थोड़ा हम यहाँ पे बढ़ा देंगे। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम को 3 कर देते हैं या फिर हम 2 कर देंगे ताकि वॉल्यूम सुनने में अच्छा लगे। तो देखिए फ्रेंड्स इसी तरह से आपको रील्स एडिट करना है। एक बार मैं पूरा आपको जो प्ले करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम साउंड को ऑफ कर दिया हूँ। यहाँ पे देखिए कि कुछ इस तरीके से ये रील्स दिखेगा। अब यहाँ पे देखे ये आ गया है और कुछ इस तरीके जो लोग देखेंगे इस वीडियो के ऊपर रुकेंगे। यहाँ पे देखे तो एक चीज़ मैंने यहाँ पे लगाना भूल गया, एक टेक्स्ट और लगाना है हमें तो मैं उसको भूल गया, तो मैं उसे भी लगा देता हूँ। यहाँ पे देखिए कि टेक्स्ट को यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे एक बार फिर से पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे माय ड्रीम, तभी तो ये लगेगा कि मोटिवेशनल टाइप का ये लगेगा। यहाँ पे हम फादर्स ड्रीम को हटा के यहाँ पे माय ड्रीम कर देते हैं। यहाँ पे माय लिखना है, बस हो गया। अब देखिए कि अब ये देखने में अच्छा लगेगा। और इसका टाइम को देख लेते हैं कितना लंबा बना है। तो ये देखिए 14 सेकेंड का ही बना है और मैं चाहता हूं कि इतना ही लंबा रहे वीडियो। तो आप जो है रील्स वीडियो हो, शॉर्ट वीडियो हो, आप चाहे तो 1 मिनट से कम रख सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा जो है लंबा कर देता हूं। एक बार हम इस साउंड को एक बार और कॉपी करके यहां पे पेस्ट कर देते हैं दोबारा। यहां पे देखें नीचे में मैं पेस्ट करूँगा तो ये बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसे क्रॉप करके हटा देते हैं। अब देखिए कि मेरा वीडियो 15 सेकेंड का बन गया है। अब मैं आपको एक बार फिर से प्ले करके दिखाता हूँ ये अब कैसा दिखता है। देखिए कुछ इस तरह से ये जो है आएगा, फादर्स ड्रीम आ गया, उसके बाद आएगा माय ड्रीम्स। यहाँ पे देखिए माय ड्रीम आ गया, उसके बाद आएगा ये, देखिए कि ये वीडियो अब चल रहा है। और जो है अब इस वीडियो को कहीं पे भी आप जो है डाल सकते हैं। तो हमारा काम ख़त्म हो गया है। अब हम इसके वॉल्यूम को इंक्रीज कर देते हैं। यहाँ पे देखिए काम ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे एक्सपोर्ट बटन पर क्लिक करना है। एक्सपोर्ट बटन पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। जहाँ पे भी अब इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं सेव टू, यहाँ पे देखिए यहाँ से आप फोल्डर को सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद ये देखिए कितना एमबी का बनेगा और एक्सपोर्ट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही एक्सपोर्ट बटन पर क्लिक करेंगे आपका वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगा, शॉर्ट वीडियो, रील्स वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने इस वीडियो को देखा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप मेरे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को भी पूछ सकते हैं। मैंने अपना फेसबुक पेज भी दे रखा है, अगर आप लोग रिकमेंड करेंगे तो मैं वहाँ पर एक प्राइवेट ग्रुप भी दे दूँगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक पावरफुल एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।